Hey guys, welcome to the Ultimate Channel. मेरा नाम है आदित्य। तो गाइज, हमारे TUC के आज के इस एपिसोड में डॉग स्टोरीज की सीरीज में आज हम आपको एक ऐसे डॉग की स्टोरी बताने वाले हैं जिसे सुन के आपको पता चलेगा कि ये अपने आप में ही एक मिसाल है कि डॉग्स या फिर एनिमल्स अपनी जान पे खेल के, अपनी जान दांव पे लगा के किस तरीके से इंसानों की हेल्प करते हैं, उनकी भी जान बचाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं। बट काफ़ी लोगों को डॉग्स के या फिर एनिमल्स के ऐसे हीरोइक एक्ट्स के बारे में पता नहीं चलता। आज हम आपको जिस डॉग की स्टोरी सुनाने वाले हैं उसका नाम है बैरी द सेंट बर्नार्ड, जो कि एक रेस्क्यू डॉग था स्विट्जरलैंड में, स्विस एल्प्स जो होते हैं वहाँ पे बर्फीले पहाड़ों में लोगों को बचाता था। बट अपने पूरे लाइफ में बैरी द सेंट बर्नार्ड ने ऐसे क्या क्या हीरोइक एक्ट किए जिस वजह से उसको एक लेजेंड माना जाता है, एक हीरो माना जाता है। तो बैरी द सेंट बर्नार्ड की जर्नी स्टार्ट होती है साल 1800 से, यानी 1800 से जब वो बॉर्न हुआ था। फिर उसके बाद उसे मोनेस्ट्री में लाया गया जहाँ पे उसे ट्रेनिंग दी गई बचपन से ही कि एक रेस्क्यू डॉग कैसे बना जाए, एक आदमी अगर फंसा हुआ है बर्फ़ के नीचे पहाड़ों में तो उसको कैसे बचाया जाए, कैसे उसकी हेल्प की जाए, अगर वो नहीं चल सकता तो कैसे उसे उठा के लेके जाया जाए। तो ऐसी बहुत सी जो रेस्क्यू डॉग की ट्रेनिंग होती है बैरी को सिखाई गई बचपन से ही। फिर उसके बाद एक साल का होते होते उसने अपनी जो रेस्क्यू मिशंस की जर्नी है वो स्टार्ट करी। अपनी इस रेस्क्यू डॉग की ड्यूटी करते हुए बैरी द सेंट बर्नार्ड बहुत सी जगहों में घूमा। स्विट्जरलैंड तो पूरा वो घूम ही रहा था, फिर उसके बाद इटली में भी काफ़ी सारी जगहों पे वो घूमा। बहुत से बर्फीले माउंटेंस जो होते हैं वहाँ पे भी उसने काफ़ी लोगों की जान बचाई, ट्रैवल किया। बट अगर आप बैरी द सेंट बर्नार्ड को गौर से देखें तो आप देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि ये आजकल के सेंट बर्नार्ड जैसा बिल्कुल नहीं है। बैरी द सेंट बर्नार्ड जो था वो 1800 के टाइम का था, यानी कि करीब 200 साल पहले, और आजकल जो सेंट बर्नार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुके हैं, काफ़ी मोटे हट्टे कट्टे हो चुके हैं, बोन काफ़ी ज़्यादा मोटे हो गए हैं उनके। बट पहले के टाइम में, 1800s के टाइम में, उतने ज़्यादा मोटे हट्टे कट्टे नहीं थे सेंट बर्नार्ड। हाँ, उनका जो कोट है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस हुआ करता था क्योंकि ये बर्फीले पहाड़ों से आते हैं, तो नेचुरली इनको ये कोट मिला हुआ है, डेंस कोट, जिससे इनको ठंड से बचने में ईजी हो। तो बैरी द सेंट बर्नार्ड ने अपने पूरे लाइफ टाइम में बहुत से लोगों की जान बचाई, करीब 40 लोगों की उसने जान बचाई है, जिसमें से कुछ बच्चे भी हैं, कुछ एडल्ट्स भी हैं, कुछ सोल्जर्स भी हैं जो बर्फीले तूफानों में फंस गए थे माउंटेन्स में, और 40 लोगों को बचाया। ये सुन के आपको काफ़ी कम लग रहे होंगे बट ये देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। हर एक बंदे को ढूंढ के निकालना, कई दिन स्मेल पुराने भी होते हैं, उस स्मेल को सेंस करके बर्फ़ में जाके उसके अंदर से उनको खोद के निकालना। फिर उसके बाद काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो माउंटेन्स में काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक चले जाते हैं, फिर बर्फीले तूफान की वजह से वो वहीं पे फंसे रह जाते हैं, या फिर कोई एवलांच वगैरह आ जाता है तो उतने बर्फीले तूफान में अकेले जाके उनको ढूंढ के निकालना बर्फ़ के अंदर से एक बहुत ही बड़ी बात होती है एक डॉग के लिए। तो अपनी लाइफ टाइम में बैरी ने करीब 12 साल की ड्यूटी की, और उस 12 साल में उसने करीब 40 लोगों को बचाया बर्फीले पहाड़ों में से। और बैरी द सेंट बर्नार्ड के बारे में एक और फेक कहावत आप कह सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कि जब बैरी 40 लोगों को बचा चुका था और जब वो 41st जो पर्सन है उसको बचाने के लिए जा रहा था एक बर्फीले पहाड़ में जो कि बर्फ़ के अंदर दबा हुआ था, वो एक सोल्जर था तो वो पूरा एकदम अनकॉन्शियस था। फिर उसके बाद बैरी ने गड्ढा खोद के उस सोल्जर को देखा, फिर उसको जैसी ट्रेनिंग मिली हुई थी कि किसी भी बंदे को सेंस में लाने के लिए उसके फेस को लिक करना चाहिए जिससे वो सेंस में आ जाए, तो बैरी ने वैसा ही किया, उसने उस सोल्जर का फेस लिक किया। लेकिन जैसे ही वो सोल्जर होश में आया उसको लगा कि वो बैरी एक वुल्फ है, तो उसने अपना डैगर निकाला, आप चाकू कह सकते हैं डैगर को, तो उस सोल्जर ने अपना डैगर निकाल के बैरी को एक वुल्फ समझ के उसके गर्दन के पास चाकू मार दिया। लेकिन ये कहावत कहते हैं काफ़ी सारे लोग सच है, बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बैरी जब 12 साल का हो चुका था तब उसको रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम से रिटायर कर दिया गया। उसको बर्न में, स्विट्जरलैंड में बर्न नाम की एक सिटी है, वहाँ पे एक मोनेस्ट्री में लाया गया ताकि वो वहाँ पे अपने जो भी लाइफ स्पैन उसकी बची हुई है वो पूरा वहाँ पे स्पेंड कर सके आराम से।
फिर उसके बाद बैरी करीब 2 साल तक और उसने लाइफ स्पेंड की अपनी, और 14 साल का जब वो हुआ यानी कि 1814 में बैरी की डेथ हो गई। अब बैरी की उस बॉडी को प्रिजर्व करके एक म्यूजियम में रखा गया है, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ बर्न, जहाँ पे वो उसने अपने लास्ट मोमेंट को स्पेंड किया था, अपने लास्ट 2 साल बिताए थे। तो वहाँ पे एक बैरी का जो ओरिजिनल स्किन था उससे एक टैक्सीडर्मी टाइप, मतलब उसके अंदर कुछ उसकी स्किन के अंदर काफ़ी स्टफिंग्स करके उसके जैसा ही दिखने वाला उसी की स्किन में एक डॉग रेप्लिका रखा गया है, जो कि आपको म्यूजियम में दिख जाएगा अगर आप कभी विजिट करते हैं स्विट्जरलैंड तो। और पेरिस में भी काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बैरी के काफ़ी स्टैचूज बने हुए हैं, जहाँ पे लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो यही स्टोरी थी बैरी की, जिसने अपने पूरे लाइफ टाइम के करियर में 40 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई होगी, लेकिन 40 ही कहा जाता है। बट इसके अलावा भी बहुत से ऐसे डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो अपनी जान पे खेल के ह्यूमंस की लाइफ्स को बचाते हैं, सोल्जर्स की तरह, जैसे सोल्जर्स हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी जान पे खेल के हमें बचाते हैं। उसी तरह एनिमल्स भी, डॉग्स भी हमारे सोल्जर्स के साथ ड्यूटी करते हैं या फिर बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी स्टोरीज है, ऐसी बहुत से इंसिडेंट्स हुए होंगे जिनके बारे में हमें नहीं पता, बट हमें वो जानना ज़रूरी है एज अ जनरल नॉलेज से ही, बट हमें वो जाननी ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं कि हमें जितनी स्टोरीज मिलेंगी हम आपके साथ वैसे ही शेयर करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बैरी द सेंट बर्नार्ड की स्टोरी, तो लाइक करें इस वीडियो को। और उसके बाद अगर आपके पास सेंट बर्नार्ड है या फिर आप सेंट बर्नार्ड से रिलेटेड कुछ कमेंट करना चाहते हैं या फिर अपने कुछ थॉट्स शेयर करना चाहते हैं, तो आप नीचे हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको डॉग से रिलेटेड और ऐसी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।